अब हम देखते हैं डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, डी मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि इट टेक्स सिंगल इनपुट लेता है और उसे फॉरवर्ड कर देता है वन ऑफ दी सेवरल आउटपुट्स, किसी बहुत सारे आउटपुट में से किसी एक आउटपुट पे उसे फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, तो इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, इसके पास सिंगल इनपुट होता है और बहुत सारे आउटपुट्स होते हैं, मान लिया एन आउटपुट्स हैं। ठीक है, और ये हो गया इसके पास सिंगल इनपुट, तो ये क्या करेगा, इस सिंगल इनपुट को किसी एक आउटपुट पे फॉरवर्ड कर देगा, एक आउटपुट से कनेक्ट कर देगा, या तो इससे या किसी एक आउटपुट से इनमें से कनेक्ट कर देगा। ठीक है, ये करता है यूजिंग सेलेक्ट लाइंस। सेलेक्ट लाइंस के इनपुट डिसाइड करते हैं कि कौन सा कि इनपुट ये इनपुट कौन से आउटपुट से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1:2n मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका, अब इसका इसमें फॉर्मूला होता है 2^m इक्वल्स टू एन। यहाँ पर m है नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस, कितनी सेलेक्ट लाइंस है मल्टीप्लेक्सर में, और n है नंबर ऑफ आउटपुट्स, कितने आउटपुट्स हैं मल्टीप्लेक्सर में। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस में और नंबर ऑफ आउटपुट्स में। ठीक है, तो अगर आपके पास n है तो आप उससे m की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, अगर m है तो उससे n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 1:2 मल्टीप्लेक्सर, 2D मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो इसे डीमक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम डी मल्टीप्लेक्सर को हम डीमक्स भी कहते हैं और डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एक सिंगल इनपुट पे जो डेटा आ रहा है उसको फॉरवर्ड करता है बहुत सारे सेवरल आउटपुट्स पे उसे फॉरवर्ड करता है, तो ये सिंगल डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो इसे हम डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 1:2 डी मल्टीप्लेक्सर। तो 1:2 डी मल्टीप्लेक्सर कैसे बनेगा, एक सिंगल इनपुट हो गया और टू आउटपुट्स हो गए, तो 1:2 डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो इसमें सेलेक्ट लाइंस कितनी होंगी, 2^m इक्वल्स टू एन होता है। ठीक है, एन यहाँ पर कितना है, टू आउटपुट्स हमारे पर टू है, एक वाई जीरो हो गया, एक वाई वन हो गया। ठीक है, तो 2^m हो जाएगा टू। ठीक है, तो 2^m इक्वल्स टू 2^1 हो गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई, वन। ठीक है, तो कितनी सेलेक्ट लाइंस बनानी पड़ेंगी हमें यहाँ पर, वन, तो s ज़ीरो बना ली हमने। ठीक है, तो ये हो गया डी मल्टीप्लेक्सर 1:2 डी मक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका फंक्शन टेबल, ये कैसे वर्क करेगा। तो इसमें सेलेक्ट लाइंस होगी एक और आउटपुट्स है हमारे पास दो, y0 और y1। ठीक है, तो सिंगल हमारे पास सेलेक्ट लाइन है, तो 2^1 क्या होता है, टू, तो इट मीन्स टू पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी या वन होगी। ठीक है, जब ज़ीरो होगी तो तब हमें आउटपुट क्या मिलेगा, तब हमें आउटपुट y0 पे मिलेगा। ठीक है, तो मतलब जो हमारा डेटा है, जो हमारा मल्टीप्लेक्सर था, ये इनपुट था इसका आई और ये दो आउटपुट थे। ठीक है, y0 y1, और ये होगी सेलेक्ट लाइन s0। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी तो ये वाला इनपुट कनेक्ट हो जाएगा y0 पे। ठीक है, तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, इस आउटपुट पे i मिल जाएगा, जो इस पे डेटा होगा। i की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है। ठीक है, तो y0 पे i मिलेगा और y1 पे क्या मिलेगा, ज़ीरो। ठीक है, तो हमें y0 पे i मिलेगा इनपुट और y1 पे ज़ीरो। ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड केस, जब यहाँ पर s की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर 1 आ गई वैल्यू, s0 इक्वल्स टू 1 होगा, तब i कनेक्ट हो जाएगा y1 से। ठीक है, तो y1 की वैल्यू हो जाएगी i और y0 हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा i और ये हो जाएगा 0। तो यह फंक्शन टेबल फॉर 1:2 मल्टीप्लेक्सर इस तरीके से फंक्शन करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन। तो लॉजिक एक्सप्रेशन कैसी होगी इसकी, अब देखो y0 आउटपुट है। ठीक है, तो इस पे ये हमारे पास जो ट्रुथ टेबल था, इसका जो फंक्शन टेबल था ये था। ठीक है, जब 0 था तो हमें आउटपुट यहाँ मिला था, जब 1 था तो आउटपुट हमें यहाँ मिला था, यहाँ था 0। ठीक है, अब हम इससे बनाएंगे लॉजिक एक्सप्रेशन। तो जब y0, अब देखो y0 की एक्सप्रेशन लिखनी है हमें, हम SOP फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, SOP में जब क्या होता है,
अगर 0 होता है तो हम उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, ठीक है। अगर 1 होता है तो उसे एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इस केस को भी हटा लो, जब वाई हमें वाई ज़ीरो का देख रहे हैं हम इसके एक्सप्रेशन, तो एस की एस ज़ीरो की क्या वैल्यू है? 0। इट मीन्स एस ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट, और आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है? आई आई हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब जब इसकी वैल्यू 0 है, एस ज़ीरो की वैल्यू 1 है जब, तो आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है? 0, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आ गई वाई ज़ीरो की, ठीक है, इस आउटपुट की। तो हम इसे अब जब सॉल्व करेंगे तो ये देखो यहाँ से 0 से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो हमारे पास क्या रह जाएगा? एस ज़ीरो कॉम्प्लीमेंट आई। तो वाई ज़ीरो की एक्सप्रेशन ये आ गई, ठीक है। उसी तरह अब हम वाई वन की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर था 0 और यहाँ पर था आई। अब इस केस में देखेंगे तो अब क्या एक्सप्रेशन बनेगी? जब एस ज़ीरो की वैल्यू 0 है, तो मतलब एस ज़ीरो की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट हो गई, तो आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है? 0.0। प्लस एस ओ पी फॉर्म में लिख रहे हैं प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट का रखा हमने, उसका प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स का हम क्या करेंगे? सम, ठीक है। अब जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो एस ज़ीरो की वैल्यू 1 होगी, एज इट इज़ लिखो डॉट, तब आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? आई, तो मल्टीप्लाई बाय आई। तो ये एक्सप्रेशन मिलेगी जब आप इसे सॉल्व करोगे, देखो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो वाई वन की वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू एस ज़ीरो आई डॉट आई। तो ये आउटपुट हो गया, वाई ज़ीरो पे हमें ये आउटपुट मिलेगा, वाई वन पे ये मिलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका लॉजिक सर्किट। तो लॉजिक सर्किट देखो, अब हमें यहाँ पर टू एंड गेट यूज़ करने पड़ेंगे, ये एंड गेट प्रोडक्ट हो रखा है तो एंड गेट यूज़ करेंगे। इसके दो इनपुट होंगे यहाँ पर, ठीक है, ये दो इनपुट हो गए, एक हो गया एस ज़ीरो, एक लाइन बना लोगे आप एस ज़ीरो की, एक बना लोगे एस ज़ीरो के कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है, और एक लाइन होगी आपकी आई की, जहाँ से हमें इनपुट मिल रहा है आई, ठीक है। तो अब पहले वाले के लिए हो गया एस ज़ीरो आई, तो एस ज़ीरो ये वाई वन है, हमें आउटपुट मान लिया ये वाई वन यहाँ से मिल रहा है और वाई ज़ीरो यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो वाई वन के लिए इनपुट क्या होगा? एस ज़ीरो आई, तो एस ज़ीरो मिलेगा हमें यहाँ से, इसे कनेक्ट कर दो और आई हो गया यहाँ से, ठीक है। सेकेंडली अब इसमें एस ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये यहाँ से मिलेगा और आई मिल गया हमें यहाँ से, ठीक है। तो ये लॉजिक सर्किट हो गया फॉर 1:2 डी मल्टीप्लेक्सर का, ठीक है। तो ये था डी मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। थैंक यू।